हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, वॉशिंग मशीन का चक्रा बाहर क्यों आता है। अक्सर जो ये बीच में घूमने वाला चक्रा होता है, ये चक्रा अक्सर जो है बाहर आ जाता है जब भी हम कपड़े धोते हैं। इसमें होता है दोस्तों, एक तो या तो मशीन की स्पीड स्लो हो जाती है, या जो ये चक्रा जो होता है बीच का पल्सेटर जो होता है वह जो है बाहर आ जाता है। अक्सर ये प्रॉब्लम जो हमने सामने देखने पड़ती है। तो इसमें क्या दिक्कत होती है और हमें इसके अंदर क्या करना पड़ता है, वो सारा सोल्यूशन इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जो ये जो अंदर का जो पल्सेट हो रहा है वो खोलते हैं। ठीक है, ये आपको जो पल्सेट हो रहा है वो आपको सबसे पहले खोलना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको क्या कमी होती है, क्या आपके इसके लिए दूसरी चीज़ करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको जो एक बीच में काला काला ब्लैक कलर का एक होल नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअल में जो है स्क्वायर में होता है, चौरस होता है। ठीक है, जो कि जो को घिस घिस के जो है पूरा जो है ये गोल हो चुका है, जिस वजह से ये दिक्कत आती है। जो पल्सेटर होता है, ये पल्सेटर के अंदर देखिए दोस्तों, अक्सर जो होता है ये जो अंदर की ये जो चक्री होती है गोल गोल, फिर तो ये जो चक्री होती है अंदर वाली, जो अंदर का कीड़ा होता है वो जो है घिस जाता है। घिसने के कारण जो है हमारी मशीन का जो है कई बार जो है पल्सेटर घूम नहीं पाता है और ये जो है बाहर आ जाता है, क्योंकि पानी का दबाव है जिससे जो है ये हमारा पल्सेटर बाहर की तरफ आ जाता है और हमारा जो बोल्ट होता है वो भी खुल जाता है। एक तो कई बार ये पल्सेटर होता है जिसके कारण हमारा जो चक्रा बाहर आता है, और दूसरा कारण जब अंदर की जो चूड़ी होती है, ये आपको दोस्तों नज़र आ रही चूड़ी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। ये जो चूड़ी जो आपको दोस्तों नज़र आ रही है, ये जो चूड़ी जो है अक्सर जो है ख़राब हो जाती है, जिससे भी जो है हमारी मशीन का चक्रा बाहर हो जाता है। ये दो कारण होते हैं। उन दो कारण आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ये जो पल्स अंदर का जो पल्सेट होता है वो चेंज करना है। अगर आपकी मशीन का ये जो चक्रा कटा हुआ है तो आपको ये पल्सेटर चेंज करना है, अन्यथा आपको जो मशीन का वो चूड़ी ख़राब है तो अंदर का आपको जो है गियर बॉक्स, ये साइड में आपको दोस्तों ये गियर बॉक्स का फोटो नज़र आ रहा होगा, वो आपको जो है गियर बॉक्स बदलना है। इस तरह से आप जो है अपनी मशीन जो है रिपेयर करवा सकते हैं। इसमें बाहर चक्रा जो बाहर आता है उसके दो ही कारण होते हैं, क्योंकि पल्सेटर ख़राब होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो पल्सेटर, ये अलग अलग मशीन में अलग अलग मॉडल का हो सकता है, पता नहीं आपकी मशीन में किस तरह का हो, आपकी मशीन में कोई अलग मॉडल का भी हो सकता है। मेजरली दो कारण ही होते हैं, उसके अलावा और भी कोई रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, मेजरली ज़्यादातर यही कारण आते हैं। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।